हरा फुदका। धान की कोमल हरी पत्तियों पर हरा फुदका का प्रकोप अधिक होता है। हरा फुदका पत्तियों को किनारे से खाकर उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर पौधे की बढ़त को प्रभावित करता है। इसका प्रकोप बढ़ने पर यह पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इससे बचाव के लिए उपाय नंबर एक, उपयोगी सामग्री नीम के बीज 5 किलोग्राम, गोमूत्र 10 लीटर, कपड़ा धोने वाला पाउडर 25 ग्राम, पानी 60 लीटर। 5 किलो नीम के बीज कूटकर बारीक कर लें। इसे 10 लीटर गोमूत्र में मिला दें। इस मिट्टी के बर्तन को रात भर के लिए छोड़ दें। नीम के बीज का सत्व गोमूत्र में मिल जाएगा। अगले दिन इसे छानकर अलग कर लें। इसमें 25 ग्राम कपड़ा धोने वाला पाउडर मिलाकर घोल लें। इस घोल की लगभग 4 गिलास या 1 लीटर मात्रा 1 बाल्टी पानी में मिला दें। तैयार घोल का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। कपड़ा धोने वाला पाउडर घोल को पत्तों पर चिपकाकर अधिक प्रभावी बनाता है। 7 दिन बाद पुनः इस घोल का छिड़काव फसल पर करना चाहिए। उपयोगी सामग्री एक बार फिर, नीम के बीज 5 किलोग्राम, गोमूत्र 10 लीटर, कपड़ा धोने वाला पाउडर 25 ग्राम, पानी 60 लीटर।